रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर मिस फरीहा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओपन द पेज नंबर 59। आर न्यू चैप्टर इज पीपल एंड वर्क। स्टूडेंट, पीपल एंड वर्क का मतलब है पीपल माने लोग या अफराद, और वर्क का मतलब है काम या ऑक्यूपेशन। कि हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है और यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन या पेशा जो है वो क्या है। देयर आर ओवर 207 मिलियन पीपल इन आर कंट्री। यानी हमारे कंट्री में जो न्यू सेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी हुई थी। सेंसस किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? सेंसस जो है ये आपकी बुक में लिखा हुआ है वर्ड। सेंसस क्या होता है? पीपल लिविंग इन अ कंट्री बाय कंडक्टिंग अ सेंसस। किसी भी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, कितने अफराद रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है, उसको मालूम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाता है, जिसको सेंसस कहते हैं। यूजुअली आ सेंसस इज कैरीड आउट एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाता है, जिसका मकसद मुल्क में पॉपुलेशन का की जो है आदाद शुमार या कितनी पॉपुलेशन है उसको मालूम करना होता है। स्टूडेंट, सेंसस को उर्दू में मर्दमशुमारी कहा जाता है। 2017 में हमारी लास्ट जो है वो सेंसस हुआ था, और उसके मुताबिक पाकिस्तान कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो है 207 मिलियन। अच्छा, हु आर दीज पीपल एंड वॉट डू दे डू। अब ये इसका मकसद क्या है कि हमारे जो है मुल्क में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, वेयर डू दे लिव एंड हाउ डू दे अर्न देयर लिविंग, और वो किस तरह रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और वो अपने जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए कहाँ से अर्न करते हैं, पैसा कहाँ से लेके आते हैं। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी एंड होल कंट्री? लेट अस फाइंड आउट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड वॉट दे डू। अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं और वो लोग उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में मैंने आप लोगों को बताया है 207 मिलियन पीपल जो है वो 2017 के सेंसस के हिसाब से जो है वो 207 मिलियंस लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग अ सेंसस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज कलेक्टेड। लोगों के बारे में जो है वो मालूमात ली जाती है जब मर्दमशुमारी की जाती है या सेंसस किया जाता है। वी गेट टू नो हाउ मैनी पीपल लिव इन अ प्लेस, देयर एजेस, ऑक्यूपेशंस, रिलीजन्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशंस। इनके रिलीजन के बारे में मालूम किया जाता है, इनके ऑक्यूपेशंस यानी कि क्या पेशा है, क्या काम करते हैं, जॉब क्या है, इनकी एज क्या है, इन सब के बारे में जो है वो सेंसस में डेटा लिया जाता है या डेटा कलेक्ट किया जाता है। सच इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा और स्टैटिस्टिक्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको डेटा भी कहा जाता है और स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सेंसस क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर है सेंसस मे टेल अस दैट देयर आर मिलियंस ऑफ बेबीज इन द कंट्री। आपके कंट्री में कितने बच्चे हैं इसको मालूम किया जाता है। विद दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन या मालूमात के साथ, द गवर्नमेंट नोज दैट मोर स्कूल्स विल बी नीडेड इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है, ये आइडिया लगाया जाता है कि अगले सालों में, आने वाले सालों में जो है हमें इन बच्चों के हिसाब से यानी नंबर ऑफ बेबीज़ के हिसाब से जो है हमें कितने स्कूल्स को जो है वो की ज़रूरत होती है, कितने स्कूल्स की नीड होगी। तो उस लिहाज से जो है वो एक्चुअली जो है सेंसस का मकसद फ्यूचर प्लानिंग भी होता है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर प्लान कर सके कि हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको किन किन चीज़ों की नीड हो सकती है, जिसको प्री प्लान भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यू नो कि मोस्ट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान लिव इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स इन द कंट्री साइड। हमारे पाकिस्तान, हमारे कंट्री के ज़्यादातर लोग जो है वो गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं ज़्यादातर लोग, और कम लोग जो है वो हमारे कहाँ रहते हैं, सिटी में। दे अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड, और वो लोग जो है वो फील्ड वर्क करते हैं, ज़मीनों पर काम करते हैं, और वो अपना पैसा इस तरह क्या करते हैं, कमाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे जो है कंट्री में जो रूरल पॉपुलेशन है
और जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन कहा जाता है शहरी पॉपुलेशन को यानी जो शहरों में लोग रहते हैं, और रूरल पॉपुलेशन कहा जाता है जो कि हमारे गांव में लोग रहते हैं, वो कितने हैं? नाउ लुक एट द बोर्ड. दिस सर्कल इज शो द रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन. यानी शहरी लोग कितने हैं? 36% जो है वो शहरों में लोग रहते हैं और 64% लोग जो है वो गांव में रहते हैं या विलेजेस में रहते हैं या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन. आप लोगों को पता है कि जब ओवर पॉपुलेशन होती है यानी आबादी जो है आबादी की ज़्यादती होती है, आबादी ज़्यादा हो जाती है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें किन किन प्रॉब्लम्स का और मसाइल का सामना करना पड़ता है. ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू मेजर प्रॉब्लम्स सच एज लैक ऑफ जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक जैम एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज. जब हम ये देखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो जाती है यानी आबादी बढ़ जाती है, तो उसमें जो है हमारे पास कौन कौन सी कॉजेज आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. उनमें हैं लैक ऑफ जॉब्स, यानी कि जॉब्स जो हैं वो नहीं मिलती हैं, इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती, जॉब्स फाइंडिंग में जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़ जाती है, आलूदगी बढ़ जाती है, क्राउडिंग, क्राउड ज़्यादा हो जाता है, ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ट्रैफिक्स आप देखते हैं कि ट्रैफिक कितना जैम होता है स्ट्रीट पे, सड़कों वगैरह पे. और इसी तरह ये जो है ओवर पॉपुलेशन की जो है हमारे पास मसाइल, बहुत मसाइल जो है वो पैदा होते हैं. अच्छा, इसकी जो है हेल्प किस तरह, हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल. गवर्नमेंट जो है वो पीपल की, लोगों की हेल्प किस तरह करती है. इट प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज टू इट्स पीपल लाइक स्कूल्स. गवर्नमेंट का काम है कि वो स्कूल्स प्रोवाइड करे, कॉलेजेस करे प्रोवाइड, वो हॉस्पिटल्स बनाती है, क्लिनिक्स बनाती है, बैंक्स बनाती है, ताकि जो आपकी कंट्री में लोग रह रहे हैं उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके. और इट इज़ ऑल्सो बिल्ड्स बिल्डिंग्स, बिल्डिंग भी बनाती है, तामीर करती है, और आपके ब्रिजेस बनाती है, पुल देखते हैं आप लोग, रोड्स वगैरह, ये सारे काम किसके हैं, ये हमें गवर्नमेंट जो है वो हमें जो है वो ये फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट इसी तरह हमारी हेल्प करती है. स्टूडेंट्स कम टू द बोर्ड, दीज आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू एंड देयर मीनिंग्स. ओके ओके, स्टार्ट. नंबर वन, से विद मी कंस्ट्रक्शन. से विद मी कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन मीन्स बिल्डिंग या इमारत या तामीर करना. कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन का मतलब है इमारत तैयार करना, तामीर करना या फिर स्ट्रक्चर बनाना. ओके, नंबर टू इज प्रोड्यूस. से विद मी प्रोड्यूस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूस? द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूस इज क्रिएट, यानी पैदा करना या पैदावार. ठीक है, नंबर थ्री इज इम्पोर्ट. इम्पोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट? ब्रिंग इन फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि हम जो दूसरे कंट्रीज से कोई चीज़ बाय करते हैं उसको इम्पोर्ट कहा जाता है, और उर्दू में इसको दरामद कहा जाता है या दरामदात कहा जाता है. नंबर फोर इज जिसके लिए हमें जो है मनी पे करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, और वो कोई भी चीज़ हम दूसरे कंट्री से बाय करते हैं. नंबर फोर इज डोमेस्टिक. डोमेस्टिक मीन्स रीजनल, एंड रीजनल मीन्स इलाकाई. नंबर फाइव सेंसस, और इसके मीनिंग क्या है? अ पीरियोडिक काउंट ऑफ द पॉपुलेशन. सेंसस के मीनिंग मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिए हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वर्क समझ आ गया होगा. नाउ कम टू योर असाइनमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ डिसम्बर. टेक अ टाइटल पेज ऑफ न्यू चैप्टर पीपल एंड वर्क. नंबर वन वर्क इज वर्ड्स मीनिंग. वर्ड्स मीनिंग मैंने आप लोगों को बोर्ड पर जो है वो समझा दी हैं, आई होप समझ में आ गई होंगी. नंबर टू वर्क इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. एंड नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन. एंड नंबर टू क्वेश्चन, हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल. हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से कौन कौन से मसाइल हमें दरपेश होते हैं और गवर्नमेंट हमारी किस तरह हेल्प करती है, ये मैंने आप लोगों को बुक में दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझा दिए हैं. और लास्ट वर्क इज ट्रू और फॉल्स. नंबर वन पॉइंट इज देयर आर अबाउट 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान. दिस इज फॉल्स. 207 मिलियन है ना पाकिस्तान में,
जो हमारी पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये 110 मिलियन जो है वो क्या है, फॉल्स है. नंबर टू, इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल इज कलेक्टेड ड्यूरिंग अ सेंसस. लोगों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है. कब कलेक्ट की जाती है? जब सेंसस किया जाता है, यानी कि आप लोगों का मर्दमशुमारी की जाती है. दिस इज ट्रू. नंबर थ्री, मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन सिटीज. मैंने आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ बोर्ड समझाया था कि पाकिस्तान में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कम है और जो रूरल पॉपुलेशन है यानी देही आबादी जो है वो ज़्यादा है. लेकिन अब स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ की है. दिस इज फॉल्स. नंबर फोर, सम पीपल इन द कंट्री हैव नो वर्क टू डू. हमारी कंट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कोई काम नहीं करते. क्यों? क्योंकि उसकी वजह क्या है? ओवर पॉपुलेशन. तो दिस इज ट्रू. आर लास्ट स्टेटमेंट इज एवरी जॉब हैज अ वैल्यू. हर जॉब, जो भी इंसान जॉब करता है उसकी कोई ना कोई कदर होती है, वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1 समझ आ गया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.